वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स वर्सेस टाटा प्ले बिंज प्लस के बारे में। लास्ट टाइम जब एयरटेल की बात की गई थी तब बात हुई थी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में। उसमें हमने उसकी सारी डिटेल्स को आपके सामने रखा था, इंस्टॉलेशन वगैरह, प्लान वगैरह, स्पीड वगैरह। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और टाटा प्ले बिंज प्लस दोनों ही आपको 4K सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है जो आपके नॉर्मल LED LCD टीवी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर देता है। दोनों ही सेटअप बॉक्स में आपको OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अब ये डाउट आता है माइंड में कि भाई दोनों ही अगर इतने अच्छे हैं तो इन दोनों में से कौन सा हमें लेना चाहिए। अब इस डिसीजन पे जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमने वीडियो बनाई है। क्या इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहती है, कौन कौन सी ऐप्स का सपोर्ट आता है, कौन सी ऐप्स आप इसमें देख पाएंगे, बाहर देख पाएंगे, तो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे इन दोनों को लेकर के। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। एंड दोस्तों, चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक थेरेपी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोनों ही सेटअप बॉक्स गूगल वॉइस असिस्टेंट के सपोर्ट के साथ आते हैं। 4K का कैपेबिलिटी का ऑप्शन है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन का फीचर भी दिया गया है और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी आता है दोनों के अंदर। और दोनों ही सेटअप बॉक्सेस एंड्रॉयड 9 पे वर्किंग हैं। इन दोनों सेटअप बॉक्सेस को आप अपने टीवी में कनेक्ट कर पाएंगे HDMI पोर्ट के थ्रू। दोनों ही सेटअप बॉक्सेस में 4K का सपोर्ट है, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो टीवी चैनल्स हैं वो 4K में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो बाकी कंटेंट है वो 4K में अवेलेबल होगा। आइए अब चलते हैं कि इन दोनों ही कंपनी की सर्विसेज को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेना है उसके लिए आपको एयरटेल की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, अपना नेम एंटर करना होगा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के पेज पे और वहाँ पे गेट न्यू कनेक्शन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। सेम चीज़ टाटा प्ले बिंज प्लस के लिए भी अप्लाई होती है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपके पास कॉल आ जाएगा टाटा प्ले बिंज प्लस की तरफ से। इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे जाने से पहले OTT एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोनों ही कंपनीज के अंदर OTT प्लेटफॉर्म का मजा उठाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा OTT प्लेटफॉर्म का मजा उठाने के लिए। टोटल यहाँ पे 14 OTT ऐप्स हैं जो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आती हैं, जैसे सोनी लिव, शेमारू, इरोज नाउ, अल्ट्रा। इस तरह से टोटल 14 ऐप्स हैं जो इस सब्सक्रिप्शन में लाई करती हैं। और जो ऐप्स इस सब्सक्रिप्शन में नहीं आती हैं वो हैं आपकी मेजर ऐप्स, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon Prime Video, Z5, Disney Plus Hotstar। अब चलते हैं टाटा प्ले बिंज प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर कि यहाँ पे कितनी ऐप्स आती हैं सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे टोटल 12 ऐप्स हैं जो सब्सक्रिप्शन में आती हैं, जैसे कि Disney Plus Hotstar, Sony Live, Eros Now, Z5 और Woot Select। तो यहाँ पे कुछ अच्छी ऐप्स भी आती हैं। दो ऐप्स ऐसी हैं जो इस सब्सक्रिप्शन में लाए नहीं करती हैं, जैसे कि Amazon Prime Video और Netflix। तो ये हैं इन दोनों ब्रांड्स के सब्सक्रिप्शन। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स हमको खरीदना है न्यू कनेक्शन तो कितना खर्चा आएगा। 2000 रुपीज का एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स का प्राइस है विदाउट GST। इसमें 18% GST जोड़ दीजिए, ये हो गया 2360 रुपीज। हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाता है 250 रुपीज का अलग से। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2610 रुपीज। अभी जो 2610 रुपए आपके खर्च हुए हैं, अभी इसमें टीवी नहीं चला है आपका, अभी सेटअप बॉक्स आया है, उसको इंस्टॉल किया गया है। अब उसको चलाने के लिए क्या खर्चा होगा वो भी सुन लीजिए। इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको 153 रुपीज का मैंडेटरी रिचार्ज करना होगा, जो आपके DTH का रिचार्ज आप करते हैं। अब आप इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2763 रुपीज। तो ये खर्चा हुआ न्यू कनेक्शन का एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के केस में। अब कुछ बेनिफिट्स आपको दोनों ही ब्रांड्स देते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है न्यू इंस्टॉलेशन पे 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का। इस सब्सक्रिप्शन में वो सारी OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलेगा जो अभी हमने बात की थी, प्लस 3 मंथ्स का Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है। अब यहाँ पे क्या नहीं मिलता है, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग आप सब्सक्राइबर हैं एयरटेल के तब कितना खर्चा आएगा, नॉर्मल DTH आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे कॉस्टिंग आती है 2000 रुपीज प्लस 18% GST। 18% GST जोड़ने के बाद अमाउंट होता है 2360 रुपीज
प्लस 153 रुपीज का आपको DTH का रिचार्ज कराना है दोस्तों, मैंडेटरी वाला, तो यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी 2513 रुपीज। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो 250 रुपए लगी थी न्यू कनेक्शन के केस में वो नहीं लगती है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो 3 मंथ सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का, यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार सुपर वाला पैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। सो ये डिफरेंस है एग्जिस्टिंग कनेक्शन और न्यू कनेक्शन के बीच में। अब बात करते हैं टाटा प्ले बिंज प्लस के न्यू कनेक्शन की प्राइसिंग की। यहाँ पे जो कॉस्टिंग लगती है वो लगती है 2200 रुपीज इंक्लूडिंग GST प्लस 153 रुपीज का DTH रिचार्ज जो मैंडेटरी है, ये हो जाता है 2353 रुपए यानी कि 2353 रुपीज। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करते हैं कि टाटा प्ले बिंज प्लस में न्यू कनेक्शन पे क्या बेनिफिट ऑफर कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको मिलता है 299 रुपीज का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री फॉर 1 मंथ, प्लस यहाँ पे भी आपको Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का फ्री दिया जाता है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी 1799 यानी कि 1800 रुपीज खर्च होंगे, पुराना वाला टाटा स्काई वाला डब्बा हट जाएगा और टाटा प्ले बिंज प्लस का 4K सेटअप बॉक्स आ जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री और 1 मंथ Amazon प्राइम वीडियो। तो अगर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टाटा प्ले बिंज प्लस में आपको कम देखने को मिलेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एक जो अच्छा बेनिफिट मुझे टाटा प्ले बिंज प्लस के सब्सक्रिप्शन में लगा है वो ये लगा है कि जो 1 मंथ फ्री आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन उसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी है। वहीं बात करें डिवाइसेस की, कितने डिवाइसेस में चलता है, तो 3 डिवाइसेस प्लस TV मतलब लगभग 4 डिवाइसेस हो गए जिन पे आप ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का मजा उठा पाएंगे। वहीं एयरटेल की बात करें कि एयरटेल में कितने डिवाइसेस का सपोर्ट है, तो दोस्तों सिर्फ 2 डिवाइसेस का सपोर्ट है इंक्लूडिंग योर TV यानी कि एक मोबाइल और एक TV, तो 2 डिवाइसेस पे आप OTT प्लेटफॉर्म का मजा उठा सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात हो गई कि टाटा प्ले बिंज प्लस आपको सस्ती इंस्टॉलेशन देता है, लेकिन अब बात करते हैं कि पर मंथ कितना खर्चा होने वाला है इन दोनों ही कंपनीज में अगर आप इनमें से किसी एक को परचेज करते हैं। किसमें आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी पर मंथ वो देखते हैं। दोनों ही के केसेस में 153 रुपीज तो मैंडेटरी है DTH का रिचार्ज, चाहे आप कुछ करिए या ना करिए। ये जो सेटअप बॉक्सेस हैं ये चलेंगे ही नहीं अगर आप 153 रुपीज इनमें नहीं डालेंगे, तो ये रिचार्ज दोनों में ही करना है, ये बात क्लियर है। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पर मंथ आती है 149 रुपीज के खर्चे पे। इसमें वही 14 एप्लीकेशंस का OTT सपोर्ट दिया गया है जिसके अंदर मेन खास एप्लीकेशंस नहीं आती हैं, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Zee5, तो ये सारी एप्लीकेशन नहीं आती है। 149 रुपीज पर मंथ चार्ज रहेगा, तो पर मंथ एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में आपका खर्चा होगा 302 रुपीज। OTT एप्लीकेशंस का सपोर्ट भी रहेगा, DTH का रिचार्ज भी हो जाएगा। अब बारी आती है टाटा प्ले बिंज प्लस की। यहाँ पर मंथ OTT एप्लीकेशंस का जो खर्चा है वो है 299, 300 रुपीज पर महीने आपके जाएंगे OTT के लिए और 153 का DTH वाला रिचार्ज रहेगा। यहाँ पे खर्चा होगा 452 रुपीज पर मंथ का। खर्चा यहाँ पे इसलिए पर महीने ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी एप्लीकेशंस दी जा रही हैं सब्सक्रिप्शन में, जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Zee5, तो इनमें पैसा लगता है जिसकी वजह से पर मंथ से ज्यादा खर्चा होगा। पर मंथ कॉस्टिंग की बात करते हैं तो टाटा प्ले बिंज प्लस में ज्यादा कॉस्टिंग निकल के आती है। यहाँ पे कुछ तकनीकी बातें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएं। दोनों ही कंपनीज के केसेस में Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के बाहर आते हैं, तो अगर आप दोनों ही कंपनीज में OTT सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, टाटा प्ले बिंज प्लस का जो है 300 रुपए वाला वो नहीं चाहिए, एयरटेल का 150 रुपए वाला नहीं चाहिए, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इन दोनों ऐप्स को आप अलग से रिचार्ज कर पाएंगे और इनका मजा उठा पाएंगे। एयरटेल में एक ऐप और आती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाली, तो उसका भी आप सेपरेटली सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे एयरटेल एक्सट्रीम ऐप को छोड़ के। तो मेरी सोच के हिसाब से आपकी सोच कुछ और भी हो सकती है कि टाटा प्ले बिंज प्लस का एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार चलाना चाह रहे हैं उस डब्बे के अंदर, तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 299 रुपीज वाला पर मंथ का, जो कि ये काफी महंगा सौदा लगता है। वहीं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें जो महंगी ऐप्स हैं ये सब्सक्रिप्शन में लाइन नहीं करती हैं एयरटेल एक्सट्रीम ऐप के सब्सक्रिप्शन में, जिसकी वजह से आप इनको सेपरेटली भी परचेज कर पाएंगे बिना 149 रुपीज का रिचार्ज कराए जो सब्सक्रिप्शन वाला है। वो एक तरह से सस्ता भी पड़ता है एयरटेल के केस में, साल का सब्सक्रिप्शन डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 899 में आता है, महीने का 75 रुपीज पड़ता है एयरटेल के 149 रुपीज वाले प्लान से, और वहीं टाटा प्ले बिंज प्लस के 300 रुपए महीने वाले प्लान से। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा, काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया अगर आपका, मेरा भी थोड़ा सा हुआ है, इतना सारा कंफ्यूजिंग है ना ये कि कोई चीज वहां मिल रही है, कोई चीज वहां नहीं मिल रही है, कोई ये चीज दे रहा है, कोई ज्यादा पैसे मांग रहा है, कोई कम पैसे का लालच दे रहा है, तो भाई करना क्या चाहिए। वीडियो इतनी ज्यादा देख भी ली है, अभी तक किसी नतीजे पे नहीं आए हैं, तो क्लियर कट जवाब मैं आपको देता हूं कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स जो है सस्ता है, टिकाऊ है,
मेजर ऐप्स बाहर आती हैं सब्सक्रिप्शन के, तो उनका सिंगल यूज़ भी आप कर पाओगे। ठीक है, टाटा प्ले बिंज प्लस महंगी ऐप्स जो हैं अपने सब्सक्रिप्शन में रख लेता है, जिसकी वजह से 299 रुपए का खर्चा आपको करना पड़ जाता है, जो महंगा सौदा है। एयरटेल के न्यू कनेक्शन में 3 मंथ्स का रिचार्ज फ्री मिल जाता है, इंजॉय करिए आप, सारी चीज़ों का फ़ायदा आप सेपरेटली भी उठा पाएंगे। लेकिन मुझे पता है दोस्तों, अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में दिमाग में चल रही हैं, तो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का सेपरेटली आंसर दूंगा। अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी हैं दोनों ही कंपनीज़ ने, कोई चीज़ कहीं पर अच्छी मिल रही है, कोई चीज़ कहीं पर ख़राब मिल रही है, तो भाई कमेंट सेक्शन है, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से जवाब दूंगा। सो ये पूरा गणित था एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और टाटा प्ले बिंज प्लस के बीच में। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोज़ को देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।